ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार, टूटा हुआ कांच और जनता के दिलों में फैली दहशत, ये तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हैं, जहां पर अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे सेक्टर 10 के वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। एक युवक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर के नीचे गया और पहले तो खड़े होकर सिगरेट पीने लगा और फिर उसके बाद उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बदमाश ने एक के बाद एक दनादन 8 फायर वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर के गेट पर कर दिए। इस वारदात में सेंटर के अंदर काम कर रहा एक कर्मचारी घायल हो गया। एक लड़का आया और उधर से आया, चेहरे पे नकाब नहीं था और उधर से ही चला गया फायर करके। कितने फायर होना, अंदाजे से 8-9 फायर हुए। ये खाली खोला आपके पास पड़े हैं। गोलीबारी के बाद भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और SFL की टीम ने भी घटनास्थल पर बारीकी के साथ एविडेंस जुटाए हैं। पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक अकेला ही बाइक पर आया था और गोलियां दागने के बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि पुलिस मामले में कब तक बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।